बीती 30 जुलाई नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 12वीं क्लास के नतीजों का ऐलान किया गया सी। इन्हां नतीजों दौरान फगवाड़ा के आरिया मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल का 12वीं क्लास का नतीजा 100% रहा है। स्कूल के 12वीं क्लास के कई विद्यार्थियों ने जिथे 80% तो उपर अंक हासिल किए हैं, उत्थे ही कमर्स ग्रुप विचों अमनप्रीत कौर ने 96.8% अंक लैके पहला स्थान, साइंस ग्रुप की पायल शर्मा ने 96.6% अंक लैके दूसरा और कमर्स ग्रुप के वासु गुप्ता ने 94.6% अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया है। इस मौके पर वधिया पोजिशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ वालों फुलों के हार पा के मूँह मिठा करवा के मुबारकबाद दी गई। स्कूल प्रिंसीपल मैडम नीलम पसरीचा ने कहा कि उन्होंने खुशी है कि स्कूल के बच्चों ने 12वीं क्लास विचों वधिया पोजिशन हासिल करके अपना ते अपने स्कूल के नाल नाल अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने पोजिशन हासिल करने वाले बच्चों उन्होंने अगले भविख लिए हार्दिक शुभकामनावां भेंट कीतियां। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्लस टू का रिजल्ट 100% रहा है। इसके लिए हम सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ साथ उनके टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बड़ी खुशी की बात ये है कि आज का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो बहुत भयंकर समय के बाद महसूस करने वाली खुशी दे रहा है। कोविड-19 के कारण बहुत कम समय के लिए बच्चे स्कूल आ पाए, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स ने उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया, मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें संभाला भी, और जो कुछ समय के लिए बच्चे स्कूल आए वहाँ उन्हें प्रॉपरली ट्रेंड किया गया। तो ये जो बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है, बोर्ड का तकरीबन 94% और 97% के बीच एवरेज रहा है पास परसेंटेज का, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा रिज़ल्ट 100% है। और जो ग्रेड सिस्टम बनाया गया है उसमें हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो अव्वल रहे हैं। हमारे कॉमर्स ग्रुप में जो मैक्सिमम मार्क्स लिए बच्चे ने 96.8%, साइंस में हमारे 90% से अबव रहे बच्चे, आर्ट्स में भी 90% से अबव रहे बच्चे, और कुल मिलाकर हमारे तकरीबन 12-13 बच्चे जो हैं वो ए प्लस ग्रेड में रहे, और 70% से 80% के बीच तो बाकी का सारा स्कूल है। बहुत कम गिनती में बच्चे जो हैं वो इससे कम नंबर उन्होंने लिए हैं। इट शोज़ के हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, और हमारी मैनेजमेंट हमारे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए सब सुविधाएँ देती हैं कि हम आने वाले भविष्य को सवार सकें। हमारे बच्चे हमारी मेहनत का सदका, अपनी मेहनत और लगन का सदका आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि वो अच्छे भविष्य की आशा कर सकते हैं। उधर वधिया पोजिशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने जिथे अपनी इस उपलब्धि का सिहरा स्कूल के मेहनती स्टाफ और मैनेजमेंट के नाल नाल अपने माता पिता के सिर बन्निया, उत्थे ही उन्होंने होरना विद्यार्थियों भी इस तरह ही मेहनत करके अपना ते अपने देश का नाम रोशन करने लिए प्रेरिया। मेरा नाम पायल है और मेरे 96.6 मार्क्स आए हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे 583 मार्क्स आए हैं, और मैं इसका सबक लेकिन अपने पेरेंट्स को, मैनेजमेंट और टीचर्स से देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे में आगे कॉलेज में रिजल्ट ना हो और ज़्यादा हार्ड हो, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। अज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला दिन है कि अज साडा ट्वेल्थ का रिजल्ट आया थे, जिद मैं 92.6% मार्क्स अचीव किए, जिद मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को टीचर्स को दूँगी जिन्होंने इस हार्ड टाइम के इस पैंडमिक के भी सू ऑनलाइन क्लासेस दिखा जिद असी पढ़ सकें। तो ये ही साढ़े स्कूल के इंटर स्कूल कॉम्पीटिशन भी होंगे रहे, जिद मैं पार्टीसिपेट भी किया, एंड इस साल मेरा स्टेट लैवल अवार्ड भी आया डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट के। सो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हाँ अपने स्कूल मैनेजमेंट का, प्रिंसीपल मैम, टीचर्स सारे, बहुत थैंक यू। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मैंने प्लस टू में 96.8 मार्क्स लिए। इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट को रहता है। मैं आगे भी इसी तरह
हार्ड वर्क करूँगी और अचीव करना चाहूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपने साथियों कि सभी इसी तरह हार्ड वर्क करें और आगे करें। इस मौके पर मैनेजर सुरेंद्र चोपड़ा, सीनियर भाजपा नेता रमेश सचदेवा, वाइस प्रधान रणजीत सोंधी, वाइस प्रिंसीपल मोनिका सब्बरवाल, नितेश बत्रा, बलीश गौतम, दिशा पलटा तो इलावा स्कूल दसमू स्टाफ के विद्यार्थी हाजिर सन।